बिहार को मिली एक लंबी दूरी की नई ट्रेन। इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे इस स्पेशल ट्रेन के डिटेल्स के बारे में, साथ ही इनका परिचालन बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशन के रास्ते देखने को मिलेगा, क्योंकि यह एक आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन होगी जिसका संचालन बिहार के यात्रियों के लिए एक स्पेशल ट्रेन के रूप में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से शुरू करते हैं आज का लेटेस्ट जानकारी। उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर ले सब्सक्राइब। वैष्णो देवी के दर्शन के साथ उत्तर भारत के तीर्थ स्थलों के दर्शन को आस्था सर्किट स्पेशल पर्यटन ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। इस ट्रेन का किराया 900 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रखा गया है और यह ट्रेन 25 नवंबर को रक्सौल से खुलेगी और 6 दिसंबर को वापस लौटेगी। मिली जानकारी के अनुसार इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भारत के तीर्थ स्थलों के दर्शन को आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन जो कि इसकी हरी झंडी मिल चुकी है और यह ट्रेन का किराया 900 रुपए प्रति व्यक्ति, जैसा कि हमने आपको बताया। यह ट्रेन 25 नवंबर को रक्सौल से खुलेगी, 6 दिसंबर को वापस लौटेगी और इसी दौरान यह ट्रेन सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा, बक्सर, इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए माता वैष्णो देवी के रास्ते जाएगी। यहां से यात्रियों को IRCTC की वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करानी पड़ेगी या फिर ऑफलाइन अगर बात करें तो काउंटर से आप इस ट्रेन की टिकट ले सकते हैं। यात्रा के दौरान अमृतसर, स्वर्ण मंदिर, हरिद्वार, हर की पौड़ी, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन में कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन कराएगा। साथ ही आगरा, ताजमहल और अयोध्या रामलला दर्शन एवं वाराणसी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन कराया जाएगा यात्रा के दौरान। पूरा यात्रा 11 रात और 12 दिन का होने वाला है जिसका कुल किराया 11,340 रुपए रखा गया है। एक पैसेंजर को अगर सफर करने का मौका मिलेगा तो उन पैसेंजरों को 11,340 रुपए का किराया देना पड़ेगा। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से मास्क, सैनिटाइजर एवं टूर एस्कॉर्ट की व्यवस्था की गई है। पर्यटक विस्तृत जानकारी एवं बुकिंग के लिए ऑनलाइन अथवा IRCTC के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि अपडेट आपको पसंद आया होगा, साथ ही कमेंट करके बताएं नई ट्रेनों का डिटेल्स के अलावा और कौन सी रूट के लिए ट्रेन के जानकारी आपको चाहिए।